ये पाइप कनेक्टर 1/2 इंच का हार्डवेयर की शॉप से पीवीसी पाइप कनेक्टर आप 1/2 इंच का आसानी ले सकते हैं। और ये गीज़र पे इस तरह से 45 डिग्री इसको काट के लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको सीधा लगा वेल्ड कर देते हैं तो ये जो हमारा एलिमेंट है वो उसकी लंबाई इतनी है कि वो अंदर जो सेंटर में पाइप होता है गीज़र के उससे जाके टकराएगा, तो ये अंदर पूरा फिट नहीं होगा। तो इसलिए इस कनेक्टर को हमें 45 डिग्री काटना होता है। तो इस तरह से इस शेप के अंदर इसको काट के यहाँ पे इसको वेल्ड किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट हैं और दो ये पॉइंट हैं, टोटल चार पॉइंट हैं। इसके अंदर ये न्यूट्रल है और ये वाला फेस है, तो इसमें डायरेक्टली लाइन आ जाएगी फेस की और इसमें डायरेक्टली न्यूट्रल की लाइन आ जाएगी। अब इसमें इंडिकेशन लगाने के लिए दो हमारे पास इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर बल्ब्स हैं ये रेड और ग्रीन। तो इनकी कनेक्शन करने के लिए बिल्कुल सिंपल से हम इसके अंदर इसके ऊपर ही ग्रीन वाला जो है इसको इन दो पॉइंट्स पे लगा देते हैं, इस पे और इस पे। तो ये ग्रीन इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये कि जब हमारा हीटर ऑन होगा, पानी गर्म कर रहा होगा, उस टाइम ये ग्रीन लाइट ऑन रहेगी, और जिस टाइम वो अपने टेम्परेचर पे पहुंच के, जिस तरह से हमने यहाँ पर 60 डिग्री सेट किया हुआ है टेम्परेचर, तो उस पे पहुंच के जब ये इसको स्विच को ट्रिप करेगा, बंद करे ऑफ करेगा, तो ये बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। अच्छा, और ये रेड बल्ब जो होता है पावर के लिए होता है, तो इसको हम डायरेक्टली न्यूट्रल और फेस से कनेक्ट कर देंगे। तो इसकी कनेक्शन, अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले
ये दो वायर्स के ऊपर कनेक्ट करते हैं ग्रीन लैंप के लिए। तो ग्रीन लैंप के लिए कनेक्ट करने के लिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। ये इसका वॉशर फाइबर का वॉशर है। नॉर्मल अगर इसके ऊपर आप रबड़ वाला लगाएंगे तो क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये रबड़ वाले को जला देगा, तो इसके लिए फाइबर का वॉशर ही यूज़ किया जाता है। तो ये जब आप हीटर परचेज करते हैं तो उसी शॉप से ही आप फाइबर का वॉशर बोल के ले सकते हैं। इसको लगा लेते हैं, ये लगाना ज़रूरी है इसके बगैर वरना लीकेज रहेगी। ओरिजिनल इटली का एलिमेंट आप इस्तेमाल करें, इसमें सस्ता चाइना का एलिमेंट इतना फ़ायदा नहीं रहता है। इसकी कीमत जो है मार्केट में तकरीबन 3 से 3,500 रुपये है। फेस और न्यूट्रल यहाँ दोनों लाइन आ जाएंगी और उसके ऊपर एक जो रेड हमारी लाइट है इसकी वायर आ जाएगी, रेड वाले की वायर यहाँ आ जाएगी। इसमें दोनों में साथ इसके जॉइंट हो जाएगी और यहाँ पे फेस और न्यूट्रल की लाइन आ जाएगी। बाकी ये जो ग्रीन इंडिकेटर लैंप है इसमें इन दोनों को इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये सिंपल वायरिंग कनेक्शन है इसका। अब चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ और इसको गीजर में इंस्टॉल करते हैं। इस इंस्टॉलेशन का सबसे बुनियादी और अहम चीज़ ये है कि आपका वेल्डिंग जॉइंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वहाँ से पानी की कोई लीकेज का चांस ना हो, और आपका जो हीटर है इसकी चूड़ियाँ इस हद तक टाइट हो कि यहाँ से भी पानी की लीकेज ना हो। बेहतर ये है कि ये वायरिंग करने से पहले आप इसको एक दफ़ा पानी भर के टेस्ट कर लें ताकि अगर कोई लीकेज होती है तो वायरिंग से पहले ही उसको रिपेयर किया जा सके। सिलिकॉन हाई टेम्परेचर सिलिकॉन का इस्तेमाल करें इसमें, इसको सील करते हो और इसको आपके लैंप्स के ऊपर और अंदर जो आपका हीटर है उसके ऊपर सिलिकॉन का इस्तेमाल करें ताकि ये और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाए पानी से। तो इसके बाद सिलिकॉन लगाने के बाद हम इसको पानी भर के आधा घंटा हमने इस पर 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसको गर्म कर लिया है। अब इसको हम कि हमारा हीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसको टेस्ट करते हैं और इस के थर्मोस्टेट को 50 डिग्री पे ले जाते हैं तो इसको ऑफ़ होना चाहिए। वो देखें ये ऑफ़ हो गया,
क्योंकि इसके अंदर जो पानी का टेम्परेचर था वो 60 डिग्री है। अब हम दोबारा से जब इसको 60 पे लेके जाएंगे या 60 से ज़्यादा, तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारा ये थर्मोस्टेट काम कर रहा है, ऑटो कट कर देगा ये जिस टाइम पानी का टेम्परेचर हमारे रिक्वायर्ड जो हमने सेट किया हुआ थर्मोस्टेट उससे ज़्यादा होगा। ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको बिजली पे भी चला सकते हैं और गैस पे भी चला सकते हैं। अब अगर गैस पे आप चलाना चाह रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम पे चलाना चाह रहे हैं इसको, आप चाह रहे हैं कि इसको गैस पे भी चलाएं और बिजली पे भी ये चलता रहे, किसी भी टाइम पानी रुके नहीं, गर्म हर वक्त हमें गर्म पानी दस्तियाब हो, तो उसके लिए क्या करना है कि आपने, अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी गैस को रखनी है कि गैस पे चलाइए, और जब गैस ना हो तो फिर ये बिजली पे चले, तो उसके लिए यही करना है कि आपने यहाँ का टेम्परेचर सेट कर देना है इसके थर्मोस्टेट पे, कि फ़र्ज़ करें इसको आप पहले बगैर बिजली के चला के इसको गैस के ऊपर पानी को गर्म कर लें, पानी का टेम्परेचर चेक कीजिए। पानी का टेम्परेचर अगर फ़र्ज़ करें 70 है, 70 डिग्री के ऊपर पानी इसने गैस के ज़रिए गर्म किया है, तो आप इधर इसके थर्मोस्टेट को, इलेक्ट्रिक के थर्मोस्टेट को 65 कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जिस टाइम गैस होगी तो ये गैस पर ही चलता रहेगा और ये आपका इलेक्ट्रिक का ऑफ रहेगा, लेकिन जिस टाइम गैस ख़त्म हो जाती है, आपकी गैस नहीं आ रही होती, तो क्या होगा कि पानी का टेम्परेचर जैसे ही लो होगा, क्योंकि गैस नहीं होगी, तो वो जैसे ही 65 पे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका थर्मोस्टेट इलेक्ट्रिक के ज़रिए इसको ऑन कर देगा और फिर आपको पानी गर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं कि अगर आप चेक करें इसका जो टेम्परेचर है वो आप इसका 70 पे कर दीजिए या 75 पे कर दीजिए, अगर ये 70 के ऊपर गर्म करता है तो फिर ये 75 पे ही गर्म होता रहेगा और ये गैस को ऑन नहीं करेगा। तो इस तरह से ही आप इसको हाइब्रिड करके चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग इसको जो गैस के गीज़र को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ये सिर्फ इलेक्ट्रिक पे ही चलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक में थोड़ी सेफ्टी रहती है, इसमें सिक्योर सेफ्टी पॉइंट से ये ज़्यादा पायदार और मकबूल है। चलें इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।